हमारा प्लान ये था कि 23 तारीख को है, 23 तारीख को जब हमारे दिल्ली से पी एम टी भाई जी ने दो जगह हमारे दिल्ली का अपना कर दिया। बोलो बोलो दो जगह बता दिया। बोलो फिर से बोलना चाहिए। दो जगह ने बता दिया, एक मार्किंग के पास और दूसरा वो गली में। हमारा प्लान ये था कि जो है 26 तारीख को करने की कोशिश करेंगे, तो पहले जो वो पहले जो लाइन होगी उसमें बहुत जैसे जो गन चलाएगा उसमें पहले से कितनी जगह रोकने की कोशिश करेंगे जो गन चलाएगा। फिर वो ये होगा कि पहले हम शूट करेंगे, पहले रोकने की कोशिश करेंगे, अगर ये बाई चांस नहीं रुकते तो इन पर शूट होने का ऑर्डर है। दूसरी चीज़ अगर अब भी नहीं रुकेंगे ग्रुप में ऑर्डर है शूट करने का। तीसरी जो पीछे से जो हमारी टीम होगी, रात भर के 10 लड़के हैं, जो टीम होगी हमारी टीम होगी वो पीछे से शूट करेंगे। उनको पुलिस वालों को ये लगेगा कि दिल्ली में किसान लोगों ने ये चलाया है, ठीक है। इसमें प्लान जो 26 तारीख को रैली होगी उसमें से आधी जो 26 तारीख होगी उसमें से आधे लोग घर के होंगे तो पुलिस के वर्दी में होंगे, इनको तितर बितर करने। और जो 24 तारीख से है चार लोगों को स्टेज पर जो चार लोग होंगे उनको शूट करने का प्रोग्राम वो है, चार लोगों की फोटो दे दी गई है। और जो हमें शिक्षक है वो प्रदीप सिंह है, तय खाने का कौन है भाई, कौन है दोबारा बोलिए, रिपीट कर दीजिए कौन है भाई थाने में है। नाम सुन ले, नाम भाई थाने में प्रदीप सिंह है। वो कभी हमसे थाने का आता था, जब भी हमसे मिलने आता था वो फिर नारक पर लगा के आता था। कौन से थाने में भाई? राई थाने में। राई 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 चाली किसान जथेबंदियां दे विचों सी जां 32 किसान जथेबंदियां विचों? भाई बोल तो गया 32 चो फर्मी सिक्का दे दिता कि 32 में से चार आदमी है जिनका नाम इसने बताया है। कौन कौन? और वो जो देखिए वो चार की बात नहीं है, ये सरकार की जो साजिश है उसका पर्दाफाश है, वो फाश किया गया आंदोलन की बात, केवल आंदोलन की बात है, इसलिए किसी का हम नाम नहीं लेंगे, वो किसी में भय नहीं डालना है, लेकिन चार आदमियों का नाम इसने बताया। जो जाट आरक्षण में भी इस तरह के काम करे हैं पहले रई में। संधु साहब एदे कोल कोई संधु साहब एदे कोल कोई हथियार फड़िया गया जी? गुआना में, गुआना में जब जाट आरक्षण काम कराइए चार लोगों की बात नहीं है, चार लोगों की बात है, दोनों की बात है, दोनों में गहरे करना है ये बात है, ठीक है। जो बोलता है वो सुन लो, ये थोड़ा घबराया हुआ है, थोड़ा ऐसी काम नहीं किया होगा ना, गरीब उम्र वर्ग का विषय बोलो। थोड़ा ऊंचा बोल, बेटा सर ये हमने पैसों के लिए काम किया था, हमारे बीच में से और भी लोग हैं जो भी पकड़े नहीं गए, जो इनको 26 तारीख को पकड़ चुका नहीं है, 50 से 60 आदमी। कितने पैसों की डील हुई थी? कितने पैसों की डील हुई थी? पूरी है 10,000 तक
ਕਾਈਂਡਲੀ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੋ ਪੈਂਤੀ ਪੈਂਤੀ अगर 10% भी हो सकता है कि ना भी हो, 10% का सही होता है कि ना भी हो, और जो मार्जिन होगा डेट पर वो यहाँ पर आ चुके हैं। ठीक है, जो लड़के आएंगे उनकी पहचान भी हमने बता दिए कि भाई कैसे कैसे दिखेंगे वो लड़के। वो लड़कों ने बूट के जूते पहने होंगे, पगड़ी पहने होंगे, और जो लड़के जो देखने में आएंगे वो साथ खड़ी होंगे, वो पुलिस के पास में होंगे। या हमने सिर्फ इतना पैसों को लेकर आता कुछ अपने पैसों के लिए, तो वो हम इसमें से सिर्फ 4 साल से काम कर रहे हैं। ठीक है, तो इससे ज़्यादा हम और कुछ नहीं पता। और हमने इससे पहले जो लड़े लेकर और उसका लड़ना हुआ था जाट आंदोलन में क्या रोल था तुम्हारा भैया? जाट आंदोलन में क्या रोल था? जाट आंदोलन में सर हमारा रोल था सिर्फ पुलिस की वर्दी कौन देता है आपको? पुलिस की वर्दी कहाँ से मिलती है? कौन देता है? आपने ऑर्डर की बात की थी, आपको ऑर्डर कौन देता है? आपको पैसे किसने दिए? ज्यादा बोलो ना, पैसे मिले होंगे ना? यूज कौन सा हथियार करना था? प्यार से प्यार नहीं, कोई नहीं प्यार से। मेरा काम सिर्फ इतना था कि हम लोगों के बाद इतना किसी गैंग वैंग से भी जुड़े हो तुम तो? नहीं सर। हैं? आपका काम कितना था? आप ये बताइए। मेरा काम सिर्फ इतना था कि जो उनके पास देखना के हथियार था। तो आपने अभी तक कोई इन्फॉर्मेशन भेजी? राम से स्वागत। राम नाम है। भाई अभी तक कोई इन्फॉर्मेशन आपने साझा किया है किसी के साथ आप जुड़े हुए? टोटल कितने लोग हैं? कितने दिन से यहाँ पे एक्टिव थे? कोई लड़कियां भी हैं आपके साथ? कितने दिन से यहाँ पे एक्टिव थे? 10 लोग हैं वो सारे मेल? सारे लड़के हैं कि लड़कियां भी हैं आपके गैंग में? एक 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 क्वेश्चन, कितने दिन से यहाँ पर एक्टिव थे आप? और 10-10 लोगों की कितनी टीमें हैं? लड़कियां कितनी हैं और लड़के कितने हैं? लड़कियां 2 हैं। कहाँ के रहने वाले हैं वो? उनकी क्या पहचान? पहचान क्या है उनकी? पहचान पहचान जैसा आपने उनकी बताई। लड़की का नाम क्या है? नाम नाम बताओ नाम। पूजा सुनीता बोलती है। पूजा सुनीता। ये बताओ आदेश कैसे मिलता था आपको? क्या फोन पे आता था, व्हाट्सएप पे आता था, या फिर किसी और जरिए से? लैंडलाइन पे। आप यहाँ पे लैंडलाइन कहाँ से यूज करते थे? मोबाइल पे। क्या किस तरह के आदेश आते थे? नंबर क्या दिल्ली का था या हरियाणा का किसी डिस्ट्रिक्ट का? नंबर तो आपके पास होगा भाई। ट्रांसफर करते थे कैसे? करते थे आपके घर वालों को पता आप क्या काम कर रहे हैं?
वो बोलते हैं कार्बन को पता नहीं लगना चाहिए, इस पर इतना प्रेशर डाला है कि अगर इन्फॉर्मेशन दोगे तो कार्बन को मार देंगे। क्या यही बात है? ये सारी बातें फोन पे होती है, कभी मिला है? बात सुनो ना, इसको टेरर ना करो, इतना सिंपल सवाल पूछो। संधु साहब तुसी जानकारी दे दो ना जी, तुम्हें जानकारी है करो तो नहीं ले वो तो ब्रीफ करा हुआ है। आप दोनों ही कोई नहीं सेपरेट हो ये ना पूछना कोई मतलब बोलियो तो प्यार ना प्यार ना प्यार यार घर बात तो है नहीं कर दे कर यार हम बात तो बोल के कहता राम बात सुनो जब घर वालों की बात है उसने मुझे नाम पर हाथ लगा बोला जी क्वेश्चन ना पूछो हां तीन सरकार में हां कुड़ियां नहीं बिठा इतना ट्राया हुआ और खड़ खड़ बात हुआ हो जाता यूनिफॉर्म आप फर्जी बना सकते हैं तो फिर वो भी फर्जी बना सकते हैं यूनिफॉर्म तो कहां से ये फर्जी यूनिफॉर्म लेते थे आप डिलीवर कौन करता था आपको डिलीवर कौन करता था आपको यूनिफॉर्म आपके लड़के का तो आपके लड़कों होगा ना कोई मेंबर मेन होगा लीड करता था हथियार किसने प्रोवाइड करवाने थे कहाँ प्रोवाइड करवाने थे आपको कब प्रोवाइड करवाने थे आ चुके हैं कहाँ के हैं हथियार एक मिनट यार तुम पूरी का टाइम दो ना गलों में तो वन बाय वन ना तो फिर क्यों ओके किस दिन यूज करने थे यूज करने थे कहाँ आने थे थोड़ा वो खुल के ब्रीफ कर दीजिए ना आपके पास जो इन्फॉर्मेशन है बहुत सारे लोगों की जान बच जाएगी भाई आप बोल देंगे तो अगर ये डिलीवर कहाँ पे होने हैं वो कोई बताया आपको हथियार कहाँ से मिलेंगे हथियार और गोला बारूद था एक बार दोबारा बता दे कहाँ से मिलने थे वो आप दोबारा बता दीजिए एक बार कहाँ से हथियार मिलने थे आपको पहली बार किस दिन आप यहाँ पर आए थे रेकी कहाँ कहाँ की आपने आपने अब तक कही रेकी तो कहाँ कही होगी ना आपने अगर ये 26 की रैली ना होती तो अगर कैंसिल हो गई होती तो फिर क्या प्लान था आपका अच्छा ये बताओ तुमने भी गोली चला दी थी जो आप कह रहे हो कि आपके रोल क्या था भूमिका क्या थी तो आपने दो दिन में क्या ऑब्जर्व किया दो दिन में क्या ऑब्जर्व किया क्या लिखा आपने यहाँ बाकी उन्होंने इन्फॉर्मेशन कर दी बाकी अब इन्फॉर्मेशन क्या चलता इन लड़कियों का क्या रोल था जो दो लड़कियां थी उनका रोल क्या था हेलो है? अच्छा और गोली कितने लोगों ने चलानी थी आपके बाकी साथी कहां ठहरे हुए हैं ट्रेनिंग भी मिली हथियार चलाने की ट्रेनिंग मिली आपको हथियार चलाने की अभी पछतावा हो रहा है क्या सबसे पहले तो है इस तरह का माहौल बिगाड़ने वाला काम आपने कहां किया था जाट दंगों में जाट एजिटेशन में ही जो जाटों का आंदोलन हुआ था उसी में किया था या उससे पहले भी इन्वॉल्व थे आप उनके संपर्क में कैसे आए थे कोई आगे आपको मिलाया था सीधे आपने सीधे आपने अपने आप टाइप किया था कौन सा लड़का अजी कहां का था वो कहां पे गीतावन चौक कहां पर संधु साहब हम तुसी थोड़ा ब्रीफ कर दो इन्हें नूं के उधर थोड़ा पुट्स नहीं यार यार मार यार नहीं सर तो कोई ऐसे आ रहे हो ये सर तो क्या जो 10 लोग आपके मेंबर हैं आप लोग सबका रोल डिसाइड था किसको क्या करना किसको क्या नहीं करना और किस तरह के रोल थे सबके सबके दस लोग हैं सर वो घाटा के थे वो लोगों को
अगर आप उनसे कभी मिले नहीं हो, आपको पता नहीं है कि वो कौन है, तो फिर आपको कैसे पता कि उनका क्या रोल है? कहाँ मीटिंग हुई थी? इकट्ठा हुई थी, इकट्ठी हुई थी, इकट्ठा हुई थी 10 लोगों की। किसके साथ अकेले अकेले किसको मिलते थे आप? किसको मिलते थे अकेले अकेले जब मिलते थे? कोई मेल, सर को? कभी कोई मेल या व्हाट्सएप मेल पे भी अप्रोच करते थे आप लोगों को? सिर्फ फोन कॉल? आपके अभी फोन कहाँ पे है? आप बता दीजिए कि जब आपको पकड़ा तो तब क्या हालात थे वहां पर? कैसे पकड़ा थे आप? क्या कर रहे थे? बता दीजिए बस। अच्छा, टोटल कितना पैसा मिलना था आपको पूरी टीम को? सिर्फ तुम्हें 10,000 मिलने थे इस काम के लिए? दुर्गन के बारे में तुम्हें क्या कहा गया था? क्योंकि ये बहुत शानदार दुर्गन है, सारी दुनिया में इसकी सराहना हो रही है, और तुम्हें क्या बताया गया था? तो ये 10,000 रुपए तुम्हारा पर डे का था या डेली अलग? करनाल की कौन सी घटना का जिक्र कर रहे हो? एक तो जो पिछले महीने हुआ है मनोहरलाल खट्टर की रैली में जब हंगामा हुआ, ज्यादा तुम्हारी क्या भूमिका थी? तो लाठी चलाई थी आपने? पुलिस की वर्दी में थे? पुलिस की वर्दी में थे आप? और दुर्गत के बारे में क्या कहा गया था कि किनका दुर्गत है? क्योंकि ये तो सही काम लोग सरकार दे रहे हैं, वो सवाल में जवाब नहीं हुआ है। पूरा जो आप बता रहे थे वहां पर हमने क्या